मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लोरालाई से है। मैं अलहिजरा रेजिडेंशल स्कूल एंड कॉलेज ज़ियारत में पिछले 6 साल से ज़्यादा यहाँ पर काम करता रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। अलहिजरा रेजिडेंशल स्कूल एंड कॉलेज एक इदारे का नाम नहीं है बल्कि ये एक मिशन का नाम है और ये समंदर पार पाकिस्तानी जो यूके में मुकीम थे पिछले 35-40 साल से, तो उनके दिल में एक दर्द उठा और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में और बिलखसूस बलूचिस्तान में तालीम के हवाले से वहाँ के पसमानदा इलाकों को, वहाँ के पसमानदा इलाकों के नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तो उन्होंने 19 अप्रैल 2004 को इस इदारे की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इस इदारे ने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इसे 6 बैजेस फारिग हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में, उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्म फोर्सेस में सर्विसेज सरंजाम दे रहे हैं। तो ये एक मिशन का नाम था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन अब उसको परवान चल रहा है, वो मिशन जिसके लिए हमारे चेयरमैन ब्रदर मोहम्मद अब्दुल करीम साकिब ख्वाब देख रहे थे कि मैं ऐसे तलबा को तालीम दूँ जो गरीब हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन अपने इलाकों में हासिल नहीं कर पाएंगे और यहाँ आकर मैं उनको क्वालिटी एजुकेशन से उनके जेवर से आरास्ता करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही तलबा हैं जो मेडिकल के शोबों में, इंजीनियरिंग के शोबों में, आर्म फोर्सेस के शोबों में सर्विसेज खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ब्रदर मोहम्मद अब्दुल करीम साहब की ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रही है।